08 सितंबर 1981 को जापानी चिकित्सक और भौतिक विज्ञानी हिदेकि युकावा का निधन हो गया। उन्होंने परमाणु बलों पर सैद्धांतिक काम के आधार पर मेसॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए भौतिकी के लिए 1949 का नोबेल पुरस्कार साझा किया। अपने 1935 के पेपर ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में उन्होंने परमाणु बलों के एक नए क्षेत्र सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसने पहले अज्ञात मेसन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। मेसॉन इलेक्ट्रॉन से भारी लेकिन प्रोटॉन से हल्के कण होते हैं। युकावा ने मजबूत परमाणु बल की उत्पत्ति को सफलतापूर्वक समझाया। उन्होंने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार कुछ कणों का आदान प्रदान करते रहते हैं। उन कणों को पाई मेसॉन नाम दिया गया।